तो ये हमारा पार्ट वन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पार्ट वन में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वो बताऊंगा, आइडेंटिफाई करना बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। वैसे तो क्यूबिक इक्वेशन भी होती है बट हमारे जो सिलेबस है उसके हिसाब से देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमने वो टॉपिक पूरा ऑलरेडी कवर कर चुका है, अभी हमारा जो टॉपिक है वो बाकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, पहला तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, फिर आपको फॉर्म बताऊंगा, आइडेंटिफाई एंड राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन में जो फॉर्म था वो पॉलिनोमियल, क्या मतलब जो एक्स की पावर है वो मैक्सिमम वन होनी चाहिए थी, ठीक है, मैक्सिमम वो लीनियर इक्वेशन में था। जैसे जैसे लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म होता है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक अपना फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है वो देखो, उसको लिखते कैसे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर x है, और x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ये तो था लीनियर इक्वेशन, लेकिन जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है। तो जो x, जो पावर मैक्सिमम जिसकी पावर 2 होगी हम उसको बोलेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x की पावर अगर 2 दिखी हमको तो हम बोलेंगे इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर x ए एक्स क्यूब हुआ तो नहीं, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम क्लियरली बोल देंगे उसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जो इक्वेशन गिवन है जिसकी जो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। तो अभी हमको पता लगेगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तो मैंने आपको फॉर्म भी लिखा दिया, फॉर्म दिखता कैसे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आई होप आपको पता लगा, फॉर्म बता दिया मैंने, अभी मैं आपको आइडेंटिफाई करना बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बताइए क्या क्या, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, आप बताओगे कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ क्या हमको क्या हमको पता है हमारा फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा फॉर्म है, हमको पता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या, हाँ अभी वैल्यू तो नहीं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, हाँ ये तो बन रहा है, यहाँ पर ये भी बन रहा है बी एक्स, और ये 10 बन रहा है, ठीक है, ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म 10 है। तो ये हम बोल सकते हैं ये हमारे फॉर्म से मैच कर रहे हैं, हम क्लियरली बोल सकते हैं इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली बताओ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जी हाँ बिल्कुल भी होगी, x की जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल हमारा x है और एक कांस्टेंट टर्म भी है, तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली बताओ, प्लस x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमारा फॉर्म क्या है, हमको पता है हमारा फॉर्म है ये वाला, हाँ हमारा फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो। फॉर्म में जो मैक्सिमम पावर है एक्स की वो 2 होनी चाहिए, बट इधर मैक्सिमम पावर जो दे दिया है वो 3 दिया हुआ है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक कंडीशन बताया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी कि जो हमारे ए की वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है इट कैन नॉट बी जीरो। हाँ अब ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताया कि जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, वो 2 होना ही चाहिए, मतलब x के ऊपर जो पावर है वो 2 होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताया कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है, लीनियर इक्वेशन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। x की पावर 2 होनी चाहिए, हाँ x की पावर 2 है, एक 0 नहीं हो सकता। अगर मैंने a को 0 कर दिया यहाँ पर, चलो a को 0 करके देखते हैं, तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मान लो, कुछ भी मान लो c, जीरो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल गिव यू जीरो। तो क्या हो जाएगा ये, जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, ये तो ऐसा बन जाएगा, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगी। तो इसलिए हम ए को जीरो नहीं रख सकते,
कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर की पावर को सबको पूरा कम्प्लीटली जीरो कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझा होगा कि पहली जो पावर होनी चाहिए वो मैक्सिमम दो होनी चाहिए और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये मैंने आपको बता दिया फॉर्म को आइडेंटिफाई करना वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे इसको। अभी आपको समझ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा राइटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखना कैसे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाउ टू राइट राइटिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो याद, आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको फॉर्म याद होना चाहिए, क्या फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉर्म में कोई भी नंबर कोई भी वैल्यूज लेकर आप कर सकते हो। मैंने लिख दिया 3, इधर एक्स की जगह वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लगे मैंने 2 लिख दिया प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। हमको बस फॉर्म पता होना चाहिए, आप इसको माइनस में भी कर सकते हो, माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होता है, जो 0, 1, 2, 3 और माइनस में भी जाते हैं, फ्रैक्शन में भी होते हैं, रूट में भी होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो और सिर्फ एक कंडीशन, दो कंडीशन है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो मैंने आपको पिछले में ऑलरेडी बता दिया कि ये 0 नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता एनी कंडीशन में, और एक्स की पावर जो होगी वो दो होगी। ठीक है, तो लिखना भी आ गया होगा। अभी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर बताओ, कोई भी कोई सी भी फ्रैक्शन में बना दो, क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं फ्रैक्शन में बना देता हूँ, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, फ्रैक्शन में बना दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फ्रैक्शन वाली हो गई। अब रूट में बना देता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है हमको, कन्फ्यूजन को दूर करना है। रूट में हो रियल नंबर होते क्या है, 0, 1, 2, 3, root 2, root 3, root 4, root 5, फ्रैक्शन वाले नंबर, 2/5, 2/6, कुछ भी, ये सब रियल नंबर होते हैं। तो आप कोई भी रियल नंबर से बना दो, ठीक है, बस जीरो नहीं होना चाहिए इसके पहले, ये कंडीशन याद रखना। हाँ, बाकी ये सब जीरोज हो सकते हैं, ये भी जीरो, बी भी जीरो हो सकता है, इधर बी होता है ना हमारे उसमें, जैसे हाँ अच्छा हुआ याद आ गया ये वाला एग्जाम्पल। ये देखो ये फॉर्म है, जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकता, बट इट कैन बी जीरो, दिस बी कैन बी जीरो, दिस सी कैन बी जीरो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा। ये पार्ट के बाद हम लोग डायरेक्टली कुछ में आपको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म तो बता दिया, उसके बाद में आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन बता दूंगा कि उनका जब ग्राफ पे प्लॉट होता है तो वो दिखते कैसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।